आलू बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका बेटा शहर में रहता था और वहीं पढ़ता था। और अब पालू के बेटे ने 12वीं कक्षा पहले नंबर से पास की थी और उसे इनाम मिलने वाला था। इसलिए पालू और उसकी बीवी शहर जाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ते हैं। अरे जल्दी चलो, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। मेरा बस चले तो मैं तो उड़कर अपने बेटे के पास चली जाऊं। ये देखो, हमारी बातों के चक्कर में ट्रेन भी चलने लग गई। अजी भागो जल्दी से, वरना यहाँ से अगली ट्रेन कल ही मिलेगी। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन से अभी भी दोनों बहुत दूर थे और धीरे धीरे ट्रेन उनके और पास आती जा रही थी। अजी इस ट्रेन को हाथ दो, हाथ देखकर रुक जाएगी। तू चुप हो जा, गवार कहीं की। ये बस नहीं है जो तेरे हाथ देने से रुक जाएगी। मेरा बस चले तो मैं ट्रेन रुकवाने के लिए पटरी पर ही लेट जाऊं। तू पागल हो गई है, बेटे के प्यार में तुझे कुछ नहीं सूझ रहा। तारा ट्रेन की रफ्तार देखकर जोर जोर से हाथ देकर चिल्लाने लगती है। रुको रुको, हमें भी ट्रेन में बैठना है, रुको। तू बिल्कुल पागल हो गई है। तभी ट्रेन की बढ़ती रफ्तार कम हो जाती है। अजी देखो, ट्रेन रुकने लगी है, जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी से ट्रेन में भाग कर चढ़ो। दोनों भाग कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। हे भगवान, जान ही निकल गई, आज से पहले इतना कभी नहीं भागी, हालत खराब हो। चलो चलो, थोड़ा अंदर चलो, सीट पर बैठ के आराम से सुस्ता लेना। दोनों ट्रेन के डिब्बे की तरफ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या, यहाँ इसलिए है। तभी तारा के सर पर जोर से एक गट्ठर गिरता है। आई माँ, मर गई, मेरी गर्दन तो गई आज। क्या है इस गट्ठर में? पालू हल्का सा गट्ठर को खोलता है। ये क्या है, ये किसी का मुर्दा शरीर है। ये यहाँ कैसे आया, चेन खींचो, जल्दी चेन खींचो। पालू चेन खींचता है। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? तभी डर से तारा के पैर से चप्पल निकलकर सीट के नीचे चली जाती है। मेरी चप्पल नीचे चली गई, आ यहाँ भी एक मुर्दा पड़ा है। तारा बुरी तरह से कपकपाने लगती है। डरो मत, मैं हूँ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं करता हूँ कुछ। पालू आगे के डब्बे में देखने जाता है। हे मेरे राम जी, हमें बचाओ, ये कैसी ट्रेन में चढ़ गए, बचाओ हमें। क्या हुआ जी? आगे वाले डिब्बे में भी मुर्दे पड़े हैं। तारा पालू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। आप यहीं बैठो जी, मुझे डर लग रहा है। अरे कोई है यहाँ जो हमारी मदद कर सके? यहाँ सब मुर्दे हैं, कोई नहीं है मदद करने के लिए। जल्दी से किसी स्टेशन पर ये ट्रेन रुके तो हम दोनों अपनी जान बचाएं। तभी एक साया नजर आता है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं पीछे वाले डब्बे में देखता हूँ, ऐसा लगा वहाँ कोई है। नहीं, आप यहीं रहो, मुझे डर लग रहा है। पालू तारा का हाथ छुड़ाकर पीछे वाले डिब्बे में जाता है। वहाँ एक आदमी सफेद चादर ओढ़े सो रहा था। लगता है ये भी हमारे जैसा है। भाई साहब, सुनो भाई साहब, लग तो आदमी का सिर रहा है। पालू उस लेटे हुए आदमी के मुंह से चादर हटाता है। ये भी एक मुर्दा है। हे राम जी, ये सब क्या हो रहा है? पालू भागने लगता है। तभी वो मुर्दा पीछे से पालू की गर्दन पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ तारा, मैं तो मर गया आज, तारा बचा मुझे। तूने मुझे नींद से जगाया, तेरी इतनी हिम्मत। वो मुर्दा देखने में बहुत भयानक था। अभी तो तुम मुर्दा थे, फिर खड़े कैसे हो गए? अभी कुछ देर में तुम भी मुर्दा बन जाओगे, फिर मैं तुम्हारे शरीर पर भी राज करूंगा। तभी तारा भागकर वहां आती है। ये कौन सी बला है जी, छोड़ छोड़ मेरे पति को, छोड़ दे। तभी वो मुर्दा भूत पालू की गर्दन से खून चूसने लगता है। आह बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, हे बजरंग बली, हमारी मदद करो, छोड़ मेरे पति को, छोड़ दे। और पास में पड़े एक डंडे से मुर्दे को मारने लगती है। मुझे मारेगी, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और वो मुर्दा तारा की तरफ झपट पड़ता है
और उसकी चोटी पकड़कर हवा में लटका देता है। तारा हवा में हाथ पैर मारने लगती है। छोड़ मुझे, छोड़ कमीने, छोड़ मुझे। तभी तारा मुर्दा भूत के मुंह पर लात मारती है। अच्छा रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। मुर्दा तारा को दूर उठाकर फेंक देता है। तारा को बहुत चोट लगती है। तारा जैसे तैसे उठकर ट्रेन के बाथरूम में चली जाती है। ये तुम कौन हो? तुम भी भूत हो? चुप, एकदम चुप। जितना शोर मचाओगी उतनी ही मुसीबत में फंसोगी। मैं यहाँ एक हफ्ते से छुप के बैठी हूँ। लेकिन तुम कौन हो और ये ट्रेन कैसी है? ये मौत की ट्रेन है, इसमें जो भी बैठता है उसे मरना ही पड़ता है। लेकिन कौन है जो सबको मारता है? इस ट्रेन में भूतों का साया है, जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है भूत उसका खून चूस लेते हैं और वो मर जाते हैं। तो तुम कैसे बच गई? मैं यहाँ छुप कर बैठी हूँ और उन्हें मेरे होने का नहीं पता है। लेकिन तुम ऐसे शोर मचाओगी तो भूत यहाँ भी आ जाएंगे। मेरा पति बाहर है, वो भूत उन्हें मार डालेंगे। मेरे भी तो माँ बाप मारे गए हैं, अपनी जान बचाओ वरना दोनों ही मारे जाओगे। तभी पालू के चिल्लाने की आवाज आती है। आ, बचाओ बचाओ, तारा तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। कैसा मर्द है रे, एक औरत को बुला रहा है, तेरा तो खून चूसना भी बेकार है। भूत उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़कर ट्रेन में गुर्राता हुआ घूमने लगता है। कहाँ गई? बाहर निकल, कहाँ गई? वो आ रहा है, वो यहीं आ रहा है। तुम चुपचाप बैठी रहना, नहीं तो वो सच में यहाँ आ जाएगा। तभी डर से तारा चुप हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे सांस लेने लगती है। तभी अचानक से बाथरूम का गेट खुलता है। तारा और बच्ची डर से कानों पर हाथ लगाकर गर्दन नीचे करके दोनों खड़ी हो जाती हैं। तारा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे धीरे बोलो ना, वरना वो भूत यहीं आ जाएगा। पालू उस बच्ची की तरफ देखता है और तारा उसे उस लड़की के बारे में बताती है। अंकल आप हिम्मत से काम लो, वरना इन मुर्दों की तरह हम तीनों भी इसी ट्रेन में पड़े मिलेंगे। पूरी की पूरी ट्रेन मुर्दों से भरी पड़ी है, किसी का सिर काट रखा है तो किसी के शरीर से पूरा खून चूस रखा है। कोई तो उपाय होगा इन भूतों से बचने का? उपाय तो है, जिस मुर्दे शरीर में वो भूत आएगा अगर उस शरीर को हम जला दे तो कुछ हो सकता है, वरना मरना तो हमें है ही, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक बोल रही है ये बच्ची। तीनों चुपचाप ट्रेन के इंजन तक जाते हैं। बीच में उन्हें ढेर सारे मुर्दे पड़े मिलते हैं। ये देखो, ये इस केन में डीजल है, लेकिन वो भूत कहाँ है? ए भूत इधर आ, हिम्मत है तो मेरा खून पीकर देखा। भूत लड़की की आवाज सुनकर पास में पड़े मुर्दे में घुस जाता है। आज तो मजा आ जाएगा, कच्चा खून पीने को मिलेगा। मुर्दा बच्ची पर झपट पड़ता है और बच्ची नीचे गिर जाती है। मुर्दा बच्ची के ऊपर जाकर बैठ जाता है। आप जल्दी से इस पर डीजल डालो। बालू मुर्दे पर डीजल डालने लगता है, लेकिन मुर्दा बच्ची का खून पीने में सब भूल जाता है। तभी तारा बोलती है, उस बच्ची का खून पीता है, इधर आ। मुर्दा गर्दन घुमाकर तारा को देखता है और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पालू पीछे से माचिस की तीली जलाकर फेंक देता है। मुर्दा जलने लगता है और साथ ही भूत भी जलने लगता है। तभी पालू बच्ची को उठाता है और भूत के जलते ही ट्रेन रुक जाती है। पालू बच्ची और अपनी पत्नी के साथ भागकर ट्रेन से उतर जाता है।